एआई और ब्लॉकचेन का जो फ्यूजन है वो दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा है। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों टेक्नोलॉजी से एक दूसरे को कैसे इंपावर कर रही है और आने वाले वक्तों में एआई बेस्ड जो क्रिप्टो कॉइन्स है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। चले दोस्तों शुरू करते हैं। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अबाउट ट्रस्ट, इज अबाउट क्रेडिट, इज अबाउट सिक्योरिटी। बट विद एआई एंड ब्लॉकचेन एंड यू गेट दिस कांसेप्ट ऑफ अ डैओ बिकमिंग अ रियलिटी, you now have a governance model in industries that could not govern themselves. The way I think about it is blockchain protects and AI gets better with more data. So coupling them together, you're almost addressing some of the issues that people have with artificial intelligence applications being released by centralized organizations. Number one pay has security. ब्लॉकचेन की जो एक खासियत है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। एआई के लिए वो सिक्योरिटी इन्हेंस करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि एआई एक बड़े डेटा को एनालाइज कर सकती है बहुत फास्ट तरीके से, उसी तरह ब्लॉकचेन क्या करती है कि बहुत बड़े डेटा को बड़े सिक्योर वे से रिकॉर्ड कर लेती है। नंबर टू पे आ जाता है डेटा रिलायबिलिटी। आप जैसे जानते हैं कि एआई को सही डिसीजन लेने के लिए और लर्न करने के लिए एक डेटा की ज़रूरत होती है। हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर और हमारे इंटरनेट के ऊपर जितना भी डेटा पड़ा है एआई उस डेटा से लर्न करती है। अगर वो डेटा सही नहीं होगा, कॉरप्टेड होगा या टेम्पर्ड होगा तो क्या होगा, एआई के डिसीजन होंगे वो गलत हो जाएंगे, एआई परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ब्लॉकचेन एक ऐसा डेटा प्रोवाइड करती है जो टेम्पर्ड प्रूफ होता है और हाईली रिलायबल डेटा होता है। तो दोस्तों इमेजिन करें एआई अगर ब्लॉकचेन के साथ मर्ज होती है तो उसके डिसीजन किस हद तक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल होंगे। नंबर तीन पे आ जाता है डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटप्लेसेस। दोस्तों जी हाँ, डेमोक्रेसी को सही मायनों में ट्रांसलेट किया जा रहा है यहाँ पे। ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटप्लेसेस बनाई जा सकती हैं। वो ऐसी मार्केटप्लेसेस जहाँ पे ऐप्स और एल्गोरिदम और कोड सेल किए जाएंगे, उन मार्केटप्लेसेस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और ऐसी मार्केटप्लेसेस सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर बनाना पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले वक्तों में डिसेंट्रलाइज मार्केटप्लेसेस के ऊपर आप एआई के कोड्स बाय कर सकेंगे और उनको ट्रेन कर सकेंगे और अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट बना सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, सही मायनों में डेमोक्रेसी आपके हाथ में आ जाएगी, पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा और आप अपने हिस्से की टेक्नोलॉजी का हिस्सा ले सकेंगे और जिसको कोई और कंट्रोल नहीं कर सकेगा। नंबर फोर पे आ जाता है हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑटोमेटिक डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, एआई के जरिए आप डिसीजन तो ले सकते हैं, एआई आपको बता सकती है क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में, उसको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना हो तो आपको ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इमेजिन करें, आप बड़े डेटा को एनालाइज करके एक माइंड में डिसीजन बना लेते हैं, लेकिन अगर आपने उसको बाइंडिंग करना हो, अगर आपने उस डिसीजन को इन्फोर्स करना हो तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है जो आपको हेल्प करती है ब्लॉकचेन। तो इन दोनों का मर्जर, इन दोनों का फ्यूजन आपस में आपको डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लॉ, हर चीज़ में बहुत आगे ले जाता है, बहुत तेज़ी से आप डिसीजन ले सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर विद इन ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड। नंबर पाँच पे आ जाता है ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्टवर्थीनेस। दोस्तों इमेजिन करें कि जब एआई कोई डिसीजन लेती है तो आपको पता नहीं होता कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं, आप ये पता नहीं लगा सकते कि एआई का जो डिसीजन है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा है। लेकिन अगर एआई ब्लॉकचेन के साथ मर्ज होती है तो ब्लॉकचेन में, जैसे कि आप जानते हैं कि एवरी सिंगल ब्लॉक में आपको इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो आपको ये पता लगाने में बहुत आसानी होती है कि एआई जो डिसीजन ले रही है वो किन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर ले रही है। तो एआई को ट्रैक करना और ट्रांसपेरेंट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। नंबर छः के ऊपर आ जाता है मोनेटाइजेशन। दोस्तों एआई को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ब्लॉकचेन से कनेक्टेड कर देते हैं एआई को तो एवरी सिंगल पॉइंट के ऊपर आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, एवरी सिंगल पॉइंट को, एवरी सिंगल इंटरेक्शन को आप चार्ज कर सकते हैं। जो हमारी कन्वेंशनल वेब 2 है इसके ऊपर हर एक मूव को मोनेटाइज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताता होता हूँ कि वेब 3.0 जब ये कॉमन हो जाएगा उस वक्त वेब 3 को इस्तेमाल करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा वेब 2 के बजाय, क्योंकि वहाँ पे आप एवरी सिंगल एक्टिविटी को मोनेटाइज कर सकते हैं। इसी तरह जो आप क्रिएशन करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उसको मोनेटाइज कर सकेंगे और लोग भी मोनेटाइज करेंगे जिनको आपको पे करना पड़ेगा उनकी सर्विस इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों अगर ब्लॉकचेन के ऊपर वेब एआई परफॉर्म करती है तो उसको मोनेटाइज करना बहुत आसान हो जाता है। नंबर सात पे आ जाता है प्राइवेसी एंड कंट्रोल।
जैसे कि मैंने दूसरी वीडियो में बताया, डिजिटल आईडी वाली वीडियो में, कि कंट्रोल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, लेकिन एआई का तो आपको पता है कि वो अगर पावरफुल हो जाए तो कहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है, उसके आगे कोई लिमिट्स नहीं है। लेकिन अगर ब्लॉकचेन के ऊपर होती है एआई, तो उसको कंट्रोल करना आसान है। उसमें क्या होगा कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन की एक्सेस रिवोक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन की एक्सेस एआई को दी हुई है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आप उसको रिवोक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन के ऊपर एआई होने के ये फायदे भी हैं कि आपकी प्राइवेसी और आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। नंबर 8 और लास्ट पॉइंट ये है कि दोस्तों, रिसर्च में एआई और ब्लॉकचेन का कोलैबोरेशन बहुत अहम है। दोस्तों, इमेजिन करें कि रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड जो भी रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन को सिक्योरली और प्रॉपरली तरीके से शेयर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं एट द सेम टाइम विद एआई, तो इमेजिन करें हमारी जो रिसर्च और हमारी ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, किस हद तक बढ़ जाएगी। हम एआई के ज़रिए वास्ट डेटा को, बड़ी इन्फॉर्मेशन को क्विकली एनालाइज करके डिसीजन के ऊपर आ सकते हैं, और ब्लॉकचेन के ऊपर उसको हम सिक्योरली ट्रांसफर कर सकते हैं। अगेन, उसी ब्लॉकचेन के ऊपर जो डेटा क्रिएट होता है, सिक्योर रिलायबल डेटा होता है, उसको दोबारा एनालाइज कर सकते हैं एआई में। इमेजिन करें जब ये हम लूप चलाते हैं, तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल हो जाती है, और हमारा जो डेटा फेड करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आता है, वो कितना सॉलिड हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो मेरे कुछ थॉट्स हैं एआई और ब्लॉकचेन के फ्यूजन के बारे में। तो दोस्तों, एआई के बेस के ऊपर जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं, उनके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में एआई बेस्ड कॉइन्स जो हैं, उन्होंने ग्रो कर जाना है। मेटावर्स, एआई, वेब 3, जितने भी कॉइन्स हैं, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि इनके पीछे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो एक्चुअल रिलायबिलिटी या एक्चुअल यूसेज नहीं है, तो आप गलत हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में ये जो टेक्नोलॉजी है, इसने प्रिवेल कर जाना है। .com बबल आया था, वेब 2.0 आया था, तो उस वक्त कुछ लोगों ने जो है ना उसको स्कैम समझा और वो पीछे रह गए, और जिन लोगों ने उसको एम्ब्रेस किया और उसके ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड की और अपने बिजनेस को बिल्ड किया, आज वो कंपनीज गूगल, एप्पल, ये सारी कंपनीज बहुत आगे निकल चुकी हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुत आगे निकल चुकी हैं। अगर आप भी पीछे नहीं रह जाना चाहते, तो AI, वेब 3, ब्लॉकचेन, इन सारी चीज़ों को समझिए और ये देखिए कि इनकी इम्प्लीकेशन ह्यूज है, और ये ट्रेंड इम्प्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और आने वाले वक्तों में इसने रहना है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल मिली होगी, लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट सेक्शन में बताएं अपने आप लोगों के थॉट्स क्या हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे जान के बहुत खुशी होगी, और मैं चाहता हूं कि मुझे आपके थॉट्स मिलें कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।